अब आगे बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट करेंगे जिसको कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग या शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट को हम इस तरह कह सकते हैं, कंप्लीट सर्किट नो रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस है नहीं और बहुत सारा करंट बह रहा है, इसी को कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। लेट मी एक्सप्लेन। मान लो ये एक बल्ब है और बल्ब क्या होता है, तो बल्ब कुछ और नहीं है, एक रेजिस्टेंस होता है बस। ये एक बल्ब और इसके अक्रॉस एक डीसी सोर्स लगा हुआ है ईएमएफ ई का। सपोज ये एक सोर्स लगा रखा है हमने, या वी पोटेंशियल डिफरेंस का कोई सोर्स लगा हुआ है, और इस बल्ब के साथ पैरेलल में हम कनेक्ट कर लेते हैं एक स्विच, और ये मानते हैं कि इस स्विच का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, मतलब ये जो पार्ट है ये कंडक्टर है, ऐसा हम मान रहे हैं। मैं फिर बोलता हूं ये बल्ब, बल्ब के साथ ये जुड़ी हुई है एक बैटरी या सेल, और बल्ब के साथ पैरेलल में एक स्विच कनेक्टेड है। जैसे ही हम सर्किट क्लोज करेंगे क्या होगा, इस बैटरी से कुछ करंट ड्रॉ होगा, मान लो आई करंट आया, और इस जंक्शन पर आने के बाद इस करंट का होगा डिवीजन, क्योंकि ये दोनों आपस में है पैरेलल में, और हम जानते हैं कि पैरेलल में करंट डिवाइड होता है इन द इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस। इस बल्ब का तो कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस है आर, पर इसका कितना रेजिस्टेंस है, तो ये क्योंकि हमने कहा है कि कंडक्टर है तो इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल यानी जीरो है। तो होगा क्या, ये पूरा पूरा करंट, क्योंकि यहां आने के बाद इस करंट के पास हैं दो अल्टरनेटिव पाथ्स, या तो वो इस रेजिस्टेंस में से जाए और या फिर इस कंडक्टर में से जाए, तो वो प्रिफर करेगा कंडक्टर में से होकर जाना। पूरा पूरा करंट इस कंडक्टर से होकर पास हो जाएगा, मतलब उसने इस बल्ब को बायपास कर दिया, बल्ब में से कुछ करंट फ्लो ही नहीं होगा, तब हम कहेंगे कि ये बल्ब शॉर्ट सर्किटेड हो गया। तब ये बल्ब शॉर्ट सर्किटेड हो गया, पूरा पूरा करंट इस स्विच से होकर वापस आ गया बैटरी पर, क्योंकि बैटरी की एक प्रॉपर्टी है कि जितना करंट उसके पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलता है उतना ही करंट नेगेटिव टर्मिनल से अंदर चला जाता है। तो इस बल्ब को हमने शॉर्ट सर्किटेड कर दिया इसके साथ पैरेलल में कंडक्टर लगाकर, इस फिनोमेना को कहते हैं शॉर्ट सर्किट। अब आपको ये समझ में आया होगा, कंप्लीट सर्किट नो रेजिस्टेंस, क्योंकि करंट अब इस तरह फ्लो हो रहा है और इस पूरे पाथ में रेजिस्टेंस कहीं भी नहीं है, क्योंकि ये सब जो लगाए ये लीड वायर्स हैं, मतलब ये कंडक्टर्स हैं, रेजिस्टेंस है नहीं, और रेजिस्टेंस नहीं है तो हमको मालूम है बहुत सारा करंट ड्रॉ होगा इससे, बैटरी से बहुत सारा करंट ड्रॉ होगा। तो कंप्लीट सर्किट नो रेजिस्टेंस, पूरा है सर्किट, करंट फ्लो हो सकता है और उस सर्किट में रेजिस्टेंस है नहीं, तब हम बोलते हैं कि वो सर्किट शॉर्ट सर्किटेड हो गया। अब इस शॉर्ट सर्किटिंग से बहुत सारी दिक्कतें पैदा होती हैं, इसको अच्छा नहीं माना जाता, शॉर्ट सर्किटिंग ये अच्छी नहीं होती। क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, तो पहली दिक्कत तो ये है, जैसा मैंने पहले कहा कि रेजिस्टेंस अब नेग्लिजिबल है, बहुत सारा करंट ड्रॉ होगा, तो ये बैटरी या ये सेल जल्दी ड्रेन ऑफ हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा करंट हम ड्रॉ कर रहे हैं वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो पहली बात ये ध्यान रखें कि वो जल्दी ड्रेन ऑफ हो जाता है। दूसरी बात ये कि ये करंट क्योंकि लार्ज वैल्यू का है, और इसलिए लार्ज वैल्यू करंट की वजह से क्या हो सकता है, लार्ज वैल्यू करंट होने से दो बातें हो सकती हैं। पहली बात तो ये कि लार्ज वैल्यू करंट से हीटिंग इफेक्ट हुआ, और वो यदि ज्यादा हुआ तो फायर हो जाएगा, या इन अदर वर्ड्स स्पार्किंग होगी, और स्पार्किंग से ही फिर फायर हो जाएगा, तो ये भी एक दिक्कत आती है, वो सर्किट ही डैमेज हो जाएगा, तो बैटरी जल्दी ड्रेन ऑफ हो जाती है, स्पार्किंग या फायर हो सकता है। उसके अलावा जैसा मैंने कहा था कि बैटरी से जितना करंट बाहर निकलता है उतना ही अंदर जाता है, और ये करंट यदि लार्ज वैल्यू का हुआ तो वापस सोर्स में जाकर उस सोर्स को ही वो डैमेज कर देगा, तो इट में लार्ज वैल्यू करंट हुआ तो इट में डैमेज द सोर्स इटसेल्फ, डैमेज द सोर्स इटसेल्फ। तो ये दिक्कतें आती हैं जब कोई सर्किट या कोई एलिमेंट शॉर्ट सर्किटेड हो जाता है। अब दूसरी बात ये
शॉर्ट सर्किटिंग कभी कभी हम डेलिबरेटली भी करवाते हैं, जानबूझकर शॉर्ट सर्किट करवाते हैं, और ऐसा सिचुएशन हमको मिलेगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में। तब हम क्या करते हैं, आपने छोटी क्लासेस से पढ़ा हुआ है, एक नेल लेते हैं, उस नेल पर एक कंडक्टर इस तरह से लपेट देते हैं और उस कंडक्टर में पास करते हैं हम करंट। तो इस सिचुएशन में सभी कंडक्टर है, पूरा ये कंडक्टर ही है, खुद वो नेल कंडक्टर है, ये वायर भी कंडक्टर है, तो ये वाली शर्त पूरी हो रही है, सर्किट कंप्लीट होगा। यदि यहाँ सेल जोड़ा हुआ होगा तो सर्किट तो कंप्लीट है, कंप्लीट सर्किट है, रेजिस्टेंस है नहीं, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जरूर हम ये काम जानबूझकर करवाते हैं शॉर्ट सर्किटिंग का। तो अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब होता है कंडक्टर के थ्रू पूरे पूरे करंट को बायपास कर देना, उसको कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। नो रेजिस्टेंस कंप्लीट सर्किट, या कंप्लीट सर्किट नो रेजिस्टेंस। और एक बात अब समझनी है हमको, वो ये कि यहां पर इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहेगा कि नहीं। पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहां कोई ड्रॉप नहीं, कोई राइज नहीं। जो पोटेंशियल इस पॉइंट का वही पोटेंशियल इस पॉइंट का। तो कई बार हमको ये कंफ्यूजन होता है कि यदि ये कंडक्टर है, यहां जो पोटेंशियल है, यहां जो पोटेंशियल है, तो हमने ये पढ़ा होता है कि करंट तो तभी फ्लो होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वही यदि इस पॉइंट का है तो करंट को फ्लो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तब हम ये भूल जाते हैं कि ये बात जो कह रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज नेसेसरी फॉर द फ्लो ऑफ करंट, वो रेजिस्टेंस के लिए है। ये तो कंडक्टर है, कंडक्टर तो हमेशा ही इक्वी पोटेंशियल होता है। तो इन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल्स के सेम होने के बावजूद इसके थ्रू करंट बहेगा, इसको भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इस शॉर्ट सर्किटिंग पर बेस्ड ये एक प्रॉब्लम हमको पूछा हुआ है। क्या कह रहे हैं, फाइंड करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस व्हेन द स्विच S इज ओपन। सेकेंड पार्ट में बोल रहे हैं क्लोज, तो पहले हम ये पार्ट वन करते हैं इसका, जब स्विच ओपन है। इस सर्किट को देखें, ये स्विच ओपन है, और ओपन है तो इस ब्रांच का होने का अभी कोई मतलब नहीं है। ये दोनों कैसे हो जाएंगे सीरीज में, तो इक्विवेलेंट हो जाएगा 30, सोर्स लगा हुआ है 3 वोल्ट का, तो करंट कितना आएगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, यानी 1/10, यानी 0.1 एम्पियर करंट फ्लो होगा। किसमें, इस रेजिस्टेंस में से भी और इस रेजिस्टेंस में से भी, और सर्किट में से भी 0.1 एम्पियर ही करंट फ्लो होगा, इतना ही सोर्स से ड्रॉ होगा। तो ये इसका आंसर है पहले वाले पार्ट का। दूसरे में कह रहे हैं कि स्विच जब क्लोज कर दिया, अब वो शॉर्ट सर्किटिंग वाली बात होगी। जैसे ही हम ये स्विच क्लोज करेंगे पार्ट बी में, तो ये करंट यहां से ड्रॉ होगा और इस जंक्शन पर आने पर इसमें से फ्लो ही नहीं होगा, वो बायपास कर देगा इसको। ये करंट ऐसे होता हुआ वापस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर पहुंच जाएगा, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है 20 ओम ये अनयूज्ड रहा, यानी सर्किट में अब रेजिस्टेंस केवल हो गया 10 ओम का और वोल्टेज है 3 वोल्ट का, यानी अब जो करंट फ्लो होगा उसको आई डैश कहता हूं मैं, तो वो होगा 3/10, 3/10 यानी 0.3, और ये करंट बढ़ गया, और करंट तो बढ़ेगा ही क्योंकि रेजिस्टेंस अब कम हो गया है। पहले रेजिस्टेंस था 30, अब वो हो गया है 10, यानी रेजिस्टेंस 1/3 और करंट 3 टाइम्स हो गया। तो यहां पर हमने वो शॉर्ट सर्किटिंग वाला कॉन्सेप्ट लगाकर ही इसे सॉल्व किया है। तो ये इसके दोनों आंसर्स हैं, पार्ट वन का जब ये स्विच ओपन है तब 0.1 एम्पियर और इसको क्लोज करने पर 0.3 एम्पियर, ये इसके आंसर्स हैं। अब अगली प्रॉब्लम करते हैं, फाइंड करंट थ्रू द 3 रेजिस्टर्स, ये 4 ओम 4 ओम 6 ओम के 3 रेजिस्टर्स और ये 2 सेल 4 वोल्ट 2 वोल्ट, हमको इन तीनों में करंट्स बताने हैं। तो इसकी केयरफुल स्टडी आपको बताती है कि ये एक कंडक्टर है BE, और यदि ये कंडक्टर है तो जैसा हमने शॉर्ट सर्किटिंग में पढ़ा, इसके यहां होने पर कंडक्टर के यदि यहां से करंट आता है तो वो इस रेजिस्टेंस में जाएगा ही नहीं, इसके थ्रू होता हुआ वापस सोर्स तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब यहां ये जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है ये अनयूज्ड रहेगा, इसको हमको हटा देना चाहिए। हम कहेंगे कि ये 4 ओम रेजिस्टेंस
शॉर्टिंग हो गई इसकी, या शॉर्ट सर्किटेड हो गया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस 4 ओम गेट्स शॉर्टेड या गेट्स शॉर्ट सर्किटेड, शॉर्ट सर्किटेड ऐसा बोलकर इसको हटा देंगे। अब बचा ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, और करंट का पाथ कैसा होगा, तो हम मान लेते हैं कि करंट इस तरह फ्लो हो रहा है सपोज, क्योंकि यहां दो सोर्सेस लगे हुए हैं, ये 4 वोल्ट की बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, हो सकता है करंट ऐसे बह रहा हो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, हमने मान लिया कि ऐसा करंट फ्लो हो रहा है। एंड लेट अस सपोज दिस करंट टू बी एक्स। अब कैसे ये करंट इस तरह फ्लो होगा, और हम इस मैश की बात करेंगे और इसमें केवीएल लगा देंगे। किस मैश के लिए? फॉर मैश ए बी ई एफ ए, इस मैश के लिए हम लगा देते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जो हम ऑलरेडी जानते हैं। ये लगाकर इस करंट को हम फाइंड आउट कर लेंगे। और जो बात मैंने आपसे पहले कही थी कि ये इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो ही इस पॉइंट का है, क्योंकि बीच में कंडक्टर है, और पोटेंशियल डिफरेंस ना होने के बावजूद इसके थ्रू करंट बहेगा, क्योंकि ये कंडक्टर है, और कंडक्टर तो हमेशा ही इक्वी पोटेंशियल होता है, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। करंट जब बाईपास होगा तो इसके थ्रू वो बह सकता है, भले ही बी और ई के पोटेंशियल्स सेम है। अब मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, मैंने करंट कितना सपोज किया एक्स, और जब मैं यहां से शुरू करूंगा और बी की तरफ जाऊंगा तो मुझे रास्ते में मिलेगा ये 4 ओम रेजिस्टेंस, और इसमें करंट है एक्स, और ड्रॉप या राइज रेजिस्टेंस में कितना आता है आई आर का, और करंट की डायरेक्शन में ड्रॉप, यानी मैं लिखूंगा -4x। आगे बढ़े, जब इसकी ट्रेवर्सिंग कर रहे होते हैं कंडक्टर की, तो रेजिस्टेंस नहीं है इसके पास, करंट भले ही है पर यहां कोई ड्रॉप नहीं आएगा, ये दोनों सेम पोटेंशियल के पॉइंट से। आगे बढ़े तो यहां पर फिर ड्रॉप आएगा -6x। सिंगल ही लूप है जिसमें करंट बह रहा है, और कहीं वो ब्रांचिंग उसकी हो नहीं रही है, डिवाइड हो नहीं रहा है, एक्स इसमें एक्स इसमें भी होगा। अब यहां आएंगे तो अब हम जा रहे हैं इस सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, यानी अब ड्रॉप आएगा तो हम लिखेंगे -2, और फिर यहां आएगा राइज यानी +4 इक्वल्स टू 0। ये दोनों मिलकर -10x, ये +2 इक्वल्स टू 0, तो एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 2/10 यानी 0.2 एम्पियर ये करंट होगा। ये इसमें है करंट 0.2 एम्पियर, ये एक आंसर होगा। इसमें करंट कितना होगा? इसमें भी करंट 0.2 एम्पियर होगा, और इसमें करंट 0 हो जाएगा, यानी इस रेजिस्टेंस में 0 और इन दोनों में 0.2 एम्पियर, और यही इस सवाल के आंसर से हैं। अब अगली प्रॉब्लम करते हैं, फाइंड करंट थ्रू रेजिस्टर्स ए एंड बी। ये रेजिस्टेंस ए और ये रेजिस्टेंस बी, हमको इनमें करंट्स बताने हैं, तो हम इसको अभी करेंगे मैश मेथड से, मैश मेथड या मैश एनालिसिस। आप इस सवाल को नोडल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, अभी हमने नोडल मेथड पढ़ी नहीं है, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम नोडल मेथड की करेंगे, फिर आप नोडल मेथड से इसे अटेम्प्ट करना, और फिर जो आपको आसान लगता है वो आप अडॉप्ट कर सकते हो। तो अभी हम इसे हाल फिलहाल मैश मेथड से कर रहे हैं। मैं सपोज कर रहा हूं कि इस बैटरी से, इस सेल से एक्स करंट बहना शुरू होता है इसके पॉजिटिव टर्मिनल से, और ये दूसरा सेल है इसके पॉजिटिव टर्मिनल से, मान लो वाई, एक्स और वाई माने करंट सपोज कर लिए। इस जंक्शन पर आकर हम केसीएल लगा देंगे, एक्स और वाई दोनों ये एंटरिंग इन टू द जंक्शन है, तो ये करंट होगा एक्स प्लस वाई लीविंग द जंक्शन, यहाँ केसीएल लगा दिया। इस तरह हर ब्रांच को करंट हमने असाइन कर दिया। अब हम इस मैश में पहले मैश रूल लगाएंगे, केवीएल इस मैश में इस तरह घूमते हुए, इसको भी कुछ कह देते हैं एफ कह दें मान लो। तो हम बात कर रहे हैं मैश, मैश ए एफ सी बी ए की, इस मैश की बात कर रहे हैं, और इसमें हम अप्लाई करेंगे केवीएल, अप्लाइंग केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जो क्या कहता है
अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चेंजेस ऑफ पोटेंशियल्स इज जीरो इन अ क्लोज्ड मैश। तो यहाँ से यदि मैं शुरू करूँ तो यहाँ तो कोई सर्किट एलिमेंट है नहीं, इसकी ट्रेवर्सिंग जब करेंगे, इसको एनकाउंटर करेंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, पोटेंशियल का आएगा राइज, यानी हमको लिखना होगा 10। फिर आगे बढ़ेंगे, इधर कोई भी नहीं है एलिमेंट, ये है, और करंट कहाँ जा रहा है, इस तरफ। कितना है करंट, x प्लस वाई, करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, और ड्रॉप आएगा इसलिए माइनस, तो माइनस 10 इंटू x प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो। इसको सॉल्व करें तो x प्लस वाई कम्स आउट 1, ये हो गई इक्वेशन 1 जो हमने इस मैश से फाइंड आउट की। अब हम इस मैश की बात करेंगे, इस मैश की, इसका भी कुछ नाम है, क्या बोल सकते हैं इस मैश को, हम कह सकते हैं ए बी सी डी ई ए। इस मैश में हम फिर से अप्लाई करेंगे केवीएल, अप्लाइंग केवीएल, और हमने तय किया ये रास्ता कि ए से बी से सी होते हुए वापस हम ए तक आएंगे, मतलब ऐसा है हमारा ट्रेवर्सिंग का डायरेक्शन। तो यहां से शुरू करेंगे, ए से बी जा रहे हैं तो हम जा रहे हैं करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट, यानी राइज आएगा, यानी प्लस साइन के साथ 10 इंटू एक्स प्लस वाई। फिर आगे बढ़े तो ये सेल पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी ड्रॉप माइनस 10। फिर आगे बढ़े तो इसमें करंट कितना है, तो इसमें करंट है वाई, ये वाला करंट इस तरह फ्लो हो रहा है, और हम जा रहे हैं करंट के ऑपोजिट, यानी यहां लिखना होगा हमें प्लस 10 वाई इक्वल्स टू जीरो। सॉल्व कर लेते हैं, 10x प्लस 10y माइनस 10, या उसको उधर ले जाते हैं 10 को, इक्वल्स टू 10, यानी इक्वेशन 2 हो गया ये। और अब इन दोनों को हमको सॉल्व कर लेना है, तो यहां से ये 10x तो है ही ऑलरेडी, और ये 20y हो जाएगा, इक्वेशन 2 लिख रहा हूं मैं, इज इक्वल्स टू 10, और इस इक्वेशन में से x या y की वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें सब्सटीट्यूट कर देना है। मान लो हम x की वैल्यू डाल दें, यहाँ y की डाल सकते हैं, 10x प्लस 20 इंटू y कितना होगा यहाँ से, 1 माइनस x इक्वल्स टू 10, इसको सॉल्व करना है, 10x प्लस 20 माइनस 20x इक्वल्स टू 10, ये कितना होता है माइनस 10x, ये उधर जाएगा तो ये होगा माइनस 10, तो x आ गया प्लस साइन के साथ 1 एम्पियर, मतलब हमारी सपोज डायरेक्शन करेक्ट है। और x यदि प्लस 1 आ जाता है तो यहां डाल देंगे हम x का वैल्यू, ये डाल देंगे 1, तो y हो जाएगा 0, यानी ये जो करंट है ये 0 है, यानी इस पार्ट में सर्किट के कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, और इसमें कितना है 1 एम्पियर, मतलब इस रेजिस्टेंस में। हमारे आंसर्स ये होंगे कि ए में करंट कितना है, तो ए में करंट है 1 एम्पियर, और इसमें करंट कितना होगा, तो वाई जीरो आया है, यानी बी हो जाएगा 0, बी हो जाएगा 0 के बराबर, ये इसके आंसर्स हैं। तो 0 आने से कभी घबराना नहीं चाहिए, 0 भी आ सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये भले ही शॉर्ट सर्किटेड नहीं था उसके बावजूद इसमें करंट 0 आया, तो ऐसा पॉसिबल है, इसका शॉर्ट सर्किटिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो ये इसके आंसर्स होंगे, 1 एम्पियर और 0। अब अगली प्रॉब्लम करेंगे, और इसको हम करने जा रहे हैं नोडल मेथड से। नोडल मेथड हम अप्लाई करते हैं जब सर्किट ज्योमेट्रिकली ओपन होता है, यहां से आपको समझ में आएगा। ये हमको सवाल दिया हुआ है, कहा है फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। इसको ऑब्जर्व करो तो ये तीन रेजिस्टेंसेस, ये तीन ओपन एंड्स हैं, और इनके हमको पोटेंशियल्स गिवन है, हमको इन ब्रांचेस के करंट्स फाइंड करने हैं। तो हम लगा रहे हैं नोडल मेथड, और उसकी स्टेप्स मैंने यहाँ लिख रखी हैं। सबसे पहला काम करना है नोड को आइडेंटिफाई करना, जैसे इस सर्किट में क्या ये नोड है, नहीं ये भी नोड नहीं है, ये भी नोड नहीं है। नोड मतलब जहां सर्किट एलिमेंट्स मीट होते हैं, टू और मोर सर्किट एलिमेंट्स, तो ये नोड है, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये है नोड। तो पहली स्टेप तो यही है कि नोड आइडेंटिफाई कर लो, ये है नोड, और इस नोड का हम कुछ पोटेंशियल सपोज कर लेते हैं, मान लो V,
नोड का पोटेंशियल हमको नहीं था दिया हुआ, तो हमने मान लिया कि इसका पोटेंशियल है V। ये पहला काम, स्टेप वन, आइडेंटिफाई नोड एंड अज्यूम इट्स पोटेंशियल टू बी V। दूसरा काम ये करना है कि इन ब्रांचेस में हम करंट सपोज कर लेंगे, उनका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। डायरेक्शन आर्बिट्ररी है, आप कुछ भी मान सकते हो। जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूं, इस ब्रांच में मानता हूं कि करंट है X और ये जंक्शन की तरफ आने वाला करंट मैंने मान लिया, एंटरिंग इन टू द जंक्शन। ये X मैंने सपोज कर लिया और Y मैं इस तरह सपोज कर लेता हूं, ये है Y और ये है Z। तो मैंने इन ब्रांचेस में करंट सपोज कर लिए। तो दूसरी स्टेप ये होती है, अज्यूम करंट्स इन डिफरेंट ब्रांचेस एंड डायरेक्शंस आर आर्बिट्ररी, आप कुछ भी मान सकते हो। बस ये है कि फाइनल आंसर यदि नेगेटिव आएगा तो हमारा सपोज डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है, कैसे भी करंट्स आप मान सकते हो उसमें। ये दूसरी स्टेप हो गई। अब तीसरी स्टेप में हमको KCL लगाना है, मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ इस जंक्शन के लिए। तो उसके पहले हम करंट्स फाइंड आउट करेंगे KVL लगाकर। मतलब अब KCL KVL ही लगा रहे हैं, मतलब ये जो मेथड होती है ये बेस्ड तो किरचॉफ लॉज पर ही है। अब इस ब्रांच के लिए यदि हम सर्किट का ये पार्ट, इसके लिए यदि हम KVL लगाएं, फ्रॉम KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ, क्या कहता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ? तो क्लोज्ड मैश के लिए तो ये कहता है कि समेशन डेल्टा V इज जीरो, अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चेंजेस ऑफ पोटेंशियल्स इन अ क्लोज्ड मैश इज जीरो। पर ओपन सर्किट के लिए हम उसको ऐसे लगाते हैं कि यहां पर पोटेंशियल कितना एब्सोल्यूट, वो है 30, तो हम लिखेंगे 30। मैं इस ब्रांच के लिए लगा रहा हूं KVL, तो यहां खड़े हो तो यहां पोटेंशियल कितना है प्लस 30, और आगे बढ़े करंट की डायरेक्शन में आएगा ड्रॉप, करंट इनटू रेजिस्टेंस यानी 10x। करंट है x, रेजिस्टेंस है 10, माइनस 10x, हम यहां पहुंच गए और ये पोटेंशियल कितना है, तो ये है V। इस तरह भी इक्वेशन लिखी जा सकती किसी ओपन ब्रांच के लिए, किरचॉफ का करंट लॉ ओपन ब्रांच के लिए। अब यहां से x कैलकुलेट हो जाएगा, तो x कितना होगा, इसको उधर ट्रांसपोज किया, ये होगा 30 माइनस V अपॉन 10, 30 माइनस V अपॉन 10, ये आ गया x। इसी तरह अब इस ब्रांच के लिए बात करेंगे, इस ब्रांच के लिए, तो यहां से मैं शुरू कर रहा हूं, यहां पोटेंशियल कितना है, तो यहां पोटेंशियल है V, आगे बढ़ेंगे करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो करंट इनटू रेजिस्टेंस विद माइनस साइन यानी माइनस 20 वाई इक्वल्स टू 12। बी पर पहुंच गए क्योंकि यहां वाई चाहिए हमें, तो वाई कितना हो जाएगा, तो वाई हो जाएगा वी माइनस 12 बाय 20, ये वाई का वैल्यू आ गया। सिमिलरली इस ब्रांच के लिए काम करेंगे, यहां पर खड़े हों फिर से, पोटेंशियल कितना एब्सोल्यूट V, आगे बढ़ते हैं तो करंट इनटू रेजिस्टेंस ड्रॉप आएगा, इसलिए माइनस 30 Z इज इक्वल टू 2, यहां का पोटेंशियल प्लस 2, माइनस होता तो हम उसे माइनस लिख लेते, यहां से Z निकाल लेंगे, Z कितना होगा, तो वो होगा V माइनस 2 अपॉन 30। इस तरह हमको ये तीनों करंट्स मिल गए, क्या लगाकर, KVL। तो KVL लगाना पड़ता है, करंट्स निकाल लिए, अब KCL लगा देंगे। अब यहां पर किरचॉफ का करंट लॉ यदि इस जंक्शन के लिए लगाएं, तो जैसे ये करंट्स मैंने शो कर रखे हैं, ये कैसा है, एंटरिंग इनटू द जंक्शन, और ये दोनों है लीविंग द जंक्शन, मतलब x इज इक्वल टू y प्लस z। तो ये मैं लगा रहा हूं KCL, अप्लाइंग KCL, क्या लिखेंगे KCL से, x इक्वल्स टू y प्लस z, और अब ये वैल्यूज यहां पुट करके सॉल्व करना है हमको, बस इतना काम और रह गया है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। यहां आते हैं, x का वैल्यू लेते हैं, कितना है वो, 30 माइनस वी बाय 10, x इज इक्वल टू y प्लस z, मतलब v माइनस 12 बाय 20 प्लस v माइनस 2 अपॉन 30। अब एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम लेने की जगह हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 60 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 10 से कैंसिल होकर 6 होगा, यानी ये 180 माइनस 6 v हो गया, इससे हमको मुक्ति मिल गई 10 से। इधर आएंगे फिर 6 का
60 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 20 से वो 3 टाइम्स कैंसिल होगा, 3v माइनस 36 और ये 2 आएगा प्लस 2v माइनस 4, और बस अब इसे v के लिए सॉल्व कर देंगे। तो ये 36 और 4 40 होते हैं, और 40 इधर आएगा तो ये 220 हो जाएगा 180 के साथ ऐड होकर, 3v प्लस 2v इज 5v, 5v प्लस 6 इज 11v, और इसलिए v की वैल्यू आ जाएगी 20 वोल्ट, यानी इस जंक्शन का, इस नोड का पोटेंशियल हमको मिल गया। और एक बार जब पोटेंशियल मिल जाएगा, उसके बाद हम यहाँ पर एक्स वाई जेड की जो हमको इक्वेशंस मिली थी उनमें वैल्यूज पुट करके एक्स वाई जेड निकाल लेंगे। 30 माइनस 20 अपॉन 10 मतलब 10/10 यानी 1 एम्पियर, ये एक्स की वैल्यू आ गई। y चाहिए तो y इक्वल्स टू होगा v माइनस 12, 20 माइनस 12 अपॉन 20 यानी 8/, ये हो जाएगा 8/20, 4 दूनी 8, 5.4 एम्पियर, ये आंसर आ गया। और z है v माइनस 2, 2 माइनस 2 बाय 30 यानी 18/30, 6 3 18, 5 30, 0.6 एम्पियर, ये हो जाएगा। और इसकी करेक्टनेस भी हम KCL से चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये करंट कितना आया है, x कितना आया 1 एम्पियर, और ये है 1 एम्पियर, और ये y आया है हमारे पास 0.4, और ये आया है 0.6 के बराबर। तो ये होना ही चाहिए, ये वैल्यूज 0.6 प्लस 4 ही तो 1 एम्पियर के बराबर होगा, मतलब हमारा सोल्यूशन करेक्ट है। और इसको कहते हैं नोडल मेथड। आपने स्टेप्स देख ली होंगी, नोड को आइडेंटिफाई करो, उसका पोटेंशियल सपोज कर लो, उसके बाद हर ब्रांच में करंट सपोज कर लो, डायरेक्शंस आप कोई भी मान सकते हैं, फिर KVL लगाकर उन ब्रांचेस की इक्वेशंस लिखो, करंट को उस नोड के पोटेंशियल की टर्म्स में फाइंड आउट करो, KCL लगाओ, सॉल्व करो, वापस ये वैल्यूज उसमें पुट करो, तो आंसर्स आ जाएंगे। इसे कहते हैं नोडल मेथड। अब अगली प्रॉब्लम, ठीक है, अब अगली प्रॉब्लम फिर से करते हैं नोडल मेथड से, फिर से अब अगली प्रॉब्लम करते हैं, फिर से हम नोडल मेथड लगाएंगे। फाइंड पोटेंशियल एट ए, ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क दिया हुआ है, पर ज्योमेट्रिकली ओपन है, दिख रहा है हमको, ये सब फ्री एंड्स हैं, ओपन एंड्स हैं, कई सारे रेजिस्टर्स हैं, कई सारे सेल्स हैं, इन एंड्स के हमको पोटेंशियल्स भी गिवन है, तो ये किसी सर्किट का पार्ट है, और हमको यहाँ पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, कहाँ पर, ए पर। तो जैसा हमने अभी पिछले सवाल में सीखा, स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहले नोड पहचाने, तो नोड तो ये है, और इसी पर हमको पोटेंशियल पूछा हुआ है। इस नोड का पोटेंशियल हम सपोज कर लेंगे कि वो V है, ये पहली स्टेप। फिर क्या करते हैं, फिर करंट्स अज्यूम करते हैं डिफरेंट ब्रांचेस में। मान लो इसमें करंट है X, कहाँ, एंटरिंग इन टू द जंक्शन ये, और इसे मान लेता हूँ मैं Y, और डायरेक्शन क्या लेंगे, तो कोई भी डायरेक्शन ली जा सकती है, उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो मान लो ये है x, ये है y, इसको कुछ और मानना पड़ेगा, मान लेते हैं कि ये z है, ये x, y, z, और इसको अब कुछ और मानना पड़ेगा, लेट अस कॉल अल्फा। तो ये x, y, z ये तीनों हो गए, और ये करंट हो गया अल्फा। अब हम क्या करते हैं, अब हम KVL लगाते हैं इन अलग अलग ब्रांचेस के लिए, और x, y, z, अल्फा की वैल्यूज निकाल कर KCL लगा कर और ये v फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखते हैं कैसे करें इस ब्रांच के लिए, ये हम कैसे लिख रहे हैं, बाय KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इस ब्रांच के लिए यदि मैं इक्वेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा, प्लस 10, आगे बढ़ेंगे तो यहां क्या आएगा, यहां आएगा ड्रॉप, करंट है x, रेजिस्टेंस है 1 यानी माइनस एक्स, 10 माइनस 1 इंटू एक्स यानी एक्स, फिर यहां क्या होगा, यहां होगा राइज, माइनस से प्लस यानी प्लस 20, और ए पर हम रीच कर गए, इज इक्वल टू वी, और इस इक्वेशन से हमको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ये 10 प्लस 20 30 माइनस वी यानी एक्स कम्स आउट टू वी 30 माइनस वी, ये एक्स की वैल्यू आ गई, करंट की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ वी। अब इसके लिए काम करेंगे, इस ब्रांच के लिए, तो क्या लिखेंगे, 20
माइनस टू वाई प्लस 15 इक्वल्स टू वी, तो 35 हुआ, और 35 माइनस वी, 35 माइनस वी अपॉन 2, ये y का वैल्यू आ गया। सिमिलरली अब इस ब्रांच के लिए काम करेंगे, तो यहां लिखेंगे v, इधर से इधर जा रहा हूं मैं a से फ्री एंड पर, तो a माइनस z, v माइनस z इक्वल्स टू माइनस 30। हमें चाहिए z का वैल्यू, तो z इक्वल्स टू हो जाएगा v प्लस 30, ये आ गया z का वैल्यू। सिमिलरली इस ब्रांच के लिए काम करेंगे, यहां से चालू कर रहा हूं मैं लिखना, तो v माइनस 2 अल्फा, v माइनस 2 अल्फा, यहां पर एक सेल भी लगा हुआ है प्लस से माइनस, माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 50, और ये है हमारी टारगेट क्वांटिटी अल्फा, अल्फा हमको चाहिए, तो 2 अल्फा उधर गया, 50 इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा वो 50 माइनस 5 यानी 45, v प्लस 45 अपॉन 2, v प्लस 45 बाय 2। इस तरह ही x, y, z और अल्फा की वैल्यूज आ गई। अब यहां पर हम किरचॉफ का करंट लॉ लगाएंगे, इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट्स, ऐसा भी कह सकते हैं। तो क्या है इनकमिंग करंट्स कितने हैं, ये कहां से लिख रहे हैं भाई, के सी एल, इनकमिंग करंट्स आर x प्लस वाई, आउटगोइंग करंट्स आर z प्लस अल्फा, ये दोनों जाने वाले जंक्शन से दूर, ये जंक्शन की तरफ आने वाले, इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट्स, क्योंकि यहां ये ना तो कोई सिंक है ना सोर्स है, तो चार्ज के कंजर्वेशन पर बेस्ड है KCL, तो चार्ज कंजर्वड होता है यानी करंट कंजर्वड होता है, इसलिए आने वाला करंट जाने वाले करंट के बराबर होना चाहिए, सामने पड़ा हुआ है, बस अब ये वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो क्या होंगी वैल्यूज, एक्स है 30 माइनस वी प्लस वाई, मतलब 35 माइनस वी बाय 2 इक्वल्स टू जेड इज वी प्लस 30 एंड अल्फा इज वी प्लस 45 बाय 2। और अब इसको सॉल्व करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ LHS RHS को, तो ये होगा 60 माइनस 2 वी, और ये 2 से 2 कैंसिल होकर 35 माइनस वी इज इक्वल टू 2 वी प्लस 60 प्लस वी प्लस 45। अब ये 2 वी ये वी मिलकर माइनस 3 वी उधर जाएगा, तो वो 3 वी है ऑलरेडी, ये 6 वी हो जाएगा, और इस तरफ 60 और 35 मतलब 95 है, ये 95 है इस तरफ LHS में, यहां पर 105 है, तो ये जब इधर आएगा तो 95 95 माइनस 105 हो जाएगा, यानी माइनस 10 हो गया वो। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, माइनस 3V, ये 3V ट्रांसपोज करेंगे तो 6V हो जाएगा, इधर ये है 95 और 60 प्लस 45 इज 105, 95 माइनस 105 माइनस 10, यानी V आता है हमारे पास माइनस 10 बाय 6 वोल्ट, तो माइनस भी आ सकता है 10 बाय 6 वोल्ट, और यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमसे यही पूछा हुआ था, वोल्टेज यहां पर पूछा था ए पर, करंट्स पूछे होते तो फिर हम ये वी की वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट करके एक्स वाई जेड अल्फा सब निकाल लेते, तो ये नोडल मेथड से हमने इसको सॉल्व किया। तो नोडल मेथड हम कब लगाएंगे, जब ज्योमेट्रिकली ओपन सर्किट होता है तो नोडल मेथड ही लगाना होती है, पर यदि ज्योमेट्रिकली क्लोज्ड है तो हम नोडल मेथड भी लगा सकते हैं, मैश मेथड भी लगा सकते हैं। अब एक ऐसा सवाल करेंगे जिसको हम भले ही वो क्लोज्ड है ज्योमेट्रिकली पर उसे नोड मेथड से सॉल्व करेंगे, और उसमें शॉर्ट सर्किटिंग का कॉन्सेप्ट भी यूज करेंगे।